गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 11 प्लेसेस अराउंड अस. दिस इज योर न्यू चैप्टर ऑन पेज नंबर 62. पेज 62 पे चैप्टर है. ओके, इन दिस चैप्टर सिमरन व्हाई डोंट यू एंड राहुल गो टू द पार्क एंड प्ले. यानी के सिमरन व्हाई, यानी के आप और राहुल डोंट गो, यानी के पार्क में खेलने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो. आंटी इज द पार्क वेरी फार. स्टूडेंट्स कहते हैं कि आंटी पार्क बहुत दूर है. राहुल द पार्क इज राइट इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस. यानी कि पार्क जो है वो हमारे घर के सामने है. आंटी, तब आंटी क्या कहती हैं? वी डोंट हैव वन इन आवर नेबरहुड. आई वुड लव टू गो आउटसाइड टू प्ले. यानी कि आंटी वी डोंट हैव वन इन आवर नेबरहुड. आई वुड लव टू गो आउटसाइड टू प्ले. यानी कि मैं बाहर जाकर खेलना पसंद करता हूँ अपने नेबरहुड में. द हाउसेज एंड द प्लेसेज अराउंड अवर हाउस फॉर्म आर नेबरहुड. यानी कि द हाउसेज एंड प्लेसेज, यानी कि जो घर और जगह होती हैं अराउंड अवर हाउस हमारे घर के आसपास, फॉर्म अवर नेबरहुड, वो हमारे आसपास जो जगह होती हैं वो हमारा पड़ोस कहलाती हैं, पड़ोस बनाती हैं. ठीक है, पड़ोस मीन्स यानी के आसपास में रहने वाले लोग. द पीपल हु लिव नियर अवर हाउस आर अवर नेबर्स. यानी के जो हमारे घर के आसपास रहते हैं होते हैं. ठीक है, यानी कि द पीपल हु लिव नियर अवर हाउस, जो हमारे घर के पास लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसी बोलते हैं. वी सी अलॉट ऑफ प्लेसेस, यानी कि हम बहुत सारी जगह देखते हैं. वी सी अलॉट ऑफ प्लेसेस सच एज पार्क, यानी कि जैसे कि पार्क हो गया, स्कूल है, अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया, अ पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस हो गया मतलब डाकघर हो गया, एंड ए मार्केट इन अवर नेबरहुड. यानी कि हमारे नेबरहुड में क्या क्या कौन कौन सी जगह होती है? पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, मार्केट. मार्केट मीन्स बाजार. इन अवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास की जगह में ये सारी चीजें होती हैं. दीज प्लेसेस मेक इट इजी टू लिव इन अ नेबरहुड. यानी कि जो ये जगह होती हैं, मेक इट इजी टू लिव इन अवर नेबरहुड, यानी कि हमें आसपास हमारे जब ये जगह होती है तो हमें रहने में आसानी होती है, हमारा रहना आसान करती है. मार्केट, अ मार्केट इज अ प्लेस. मार्केट क्या होता है? अ मार्केट इज अ प्लेस. मार्केट वो जगह है फ्रॉम वेयर, जहां से वी कैन बाय एवरी डे थिंग्स. यानी कि जो हम आसपास की डेली मतलब डेली यूज की चीजें खरीद कर लेकर आते हैं, मार्केट वो जगह होती है, वहां से लेकर आते हैं. हैविंग अ मार्केट इन द नेबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोस में जो मार्केट होता है, इज इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज वी डू नॉट गो वेरी फार टू बाय थिंग्स वी नीड. यानी कि ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए. ठीक है, तो मार्केट बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हैविंग अ मार्केट इन द नेबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोस में जो मार्केट होता है, इज इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी होता है. बिकॉज क्योंकि वी डू नॉट नीड टू गो, अगर इसके होने से हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत दूर चीजें खरीदने के लिए. ठीक है, हमें अपने जरूरत की चीजें बहुत दूर जाकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे पास में ही क्या होगा? मार्केट होगा. अ मार्केट हैज मैनी शॉप्स. मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं. डेट सेल डिफरेंट थिंग्स, यानी कि वहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह की चीजें खरीद सकते हैं. मार्केट में क्या होता है? डेली यूज जूस करने वाली चीजें मिलती है, जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, एंड डेली यूज की सो मैनी थिंग्स होती है मार्केट में, जैसे राइस, पल्सेस, फ्लोर, ये सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे डेली यूज की चीजें हैं. ओके चिल्ड्रन, सो मार्केट हमारे घर के आसपास, हमारे नेबरहुड में मार्केट भी होना चाहिए, जिससे कि हमें सामान अपने घर की जरूरत के डेली यूज के जो सामान होते हैं उनको बाय करने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े. इसलिए मार्केट होना हमारे नेबरहुड में बहुत जरूरी होता है. ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस टॉपिक इज कम्प्लीट. ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.